2007 में सबसे छोटे खिलाड़ी और 2024 में विजयी टीम के कैप्टन, क्या अनुभव करते हैं? सर सच बोलूं तो जब 2007 में मैं पहली बार टीम में आया था और एक टूर हमने आयरलैंड में किया था जहां पे राहुल भाई कैप्टन थे। फिर उसके बाद हम सीधा साउथ अफ्रीका चले गए वर्ल्ड कप के लिए, तो वहां पे वर्ल्ड कप जीत गए पहली बार। तो जब इंडिया आए हम वर्ल्ड कप जीत के, तो पूरी मुंबई रास्ते में थे। हमें एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम जाने के लिए 5 घंटा लगा। तो 2-3 दिन के बाद मैंने रियलाइज किया कि वर्ल्ड कप जीतना काफी आसान है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप आते गए, बहुत बार हम पास पहुंचे बट जीत नहीं पाए। ये वर्ल्ड कप में मैं एक चीज बड़े कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूं कि लोगों में काफी डेस्परेशन और बहुत हंगर था। जब हम यहां से वेस्ट इंडीज गए, काफी मुश्किलें थी वहां पे। जब हम न्यूयॉर्क में पहली बार क्रिकेट हो रहा था, कभी क्रिकेट वहां पर हुआ नहीं था, प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड अच्छे नहीं थे, लेकिन किसी भी लड़कों का उस चीज में ध्यान नहीं था। बस एक ही चीज में ध्यान था कि हम बार्बाडोस में फाइनल कैसे खेलेंगे। तो उससे मतलब ऐसे टीम को कैप्टनसी करना भी काफी अच्छा लगता है कि सबका गोल एक है कि कैसे जीतना है। और जब हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है और लोग एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रात रात तक सड़कों में घूम रहे इंडिया का फ्लैग लेकर, तो काफी अच्छा लगता है। और हम ये जो ग्रुप है यहाँ पर, इनका हमारा एम भी यही है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे इंस्पायर करते जाए। जैसे जब राहुल भाई और सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, लक्ष्मण, ये लोग सब खेलते थे तो हम सब उनको देखते थे, तो उन्होंने हम सारे लड़कों को इंस्पायर किया है। बट हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आगे वाले जनरेशन आएंगे उनको हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। और ये शायद ये वर्ल्ड कप से आई एम श्योर कि आने वाले पीढ़ी में वो उत्साह बिल्कुल रहेगी। रोहित, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो। ये तो एक्चुअली लड़के ही बता सकते हैं।